हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से कोचिंग सेंटर के लिए पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से कोचिंग सेंटर के लिए पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो PLP फाइल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कोचिंग सेंटर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपने कोचिंग सेंटर का पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ टुडे टुमारो विल बी बेटर। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को और कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो भी लिखना है वो लिख के हम लोग ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है सरस्वती कोचिंग सेंटर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिख सकते हो, साथ ही नीचे दोस्तों और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लास में लिखा हुआ है 6 to 12 सब्जेक्ट एंड 11 to 12 साइंस एंड आर्ट्स। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो भी कोचिंग दे रहे हो अपने कोचिंग सेंटर में वहाँ पे यहाँ पे उस क्लास का नाम लिख सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी क्लास लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके लिए पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने पैटर्न में UP बोर्ड एंड CBSE बोर्ड लिखा हुआ है। दोस्तों आप लोग अपने कोचिंग सेंटर में जिस भी बोर्ड का कोचिंग दे रहे हो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ विशेषताएं डाली हुई है जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बैंकिंग, सेल, बिहार पुलिस, एस्ट्रो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इट्सी। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ और अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दे रहे हो तो यहाँ पे वो भी अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी पता लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो पीएनजी लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट का फ़ोटो पीएनजी ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।